जिस कंपटीशन में 58 देश के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो डबल IHM के द्वारा आयोजित किया जाता है उनके ही ग्लोबल कैंपस में। तो मैं भाग्यशाली था, मुझे इसके लिए शेफ काक ने इनवाइट किया और मैं ऑब्जर्वर बन करके वहाँ पे गया। तो काफ़ी लर्निंग होती है, ये जो बच्चे अलग अलग कंट्रीज से आए हैं तो अलग अलग अपने अपने कंट्रीज़ का खाना बनाए और वो देखने को मिला। कुछ सेलिब्रिटी शेफ्स भी आए हुए थे वहाँ पे, UK के काफ़ी जाने माने हस्तियाँ आई हुई थी, डेविड फॉस्केट से मिला और काफ़ी लोग वहाँ पे थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं अपने अपनी कंट्री से और बहुत सारे अरमान लेकर के आते हैं और इस कलनरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए वो जितना डिटरमाइंड है वो एक्चुअली काबिले तारीफ। सो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे और इस तरह का एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, ये सचमुच ही बहुत ज़्यादा डेडिकेशन मांगता है, जो कि डॉक्टर सुबर्णो बोस इसमें काफ़ी हमेशा से सक्सेसफुल रहे हैं। तो थैंक यू डॉक्टर सुबर्णो बोस एंड मैडम एंड शेफ काक कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे भी सीखने का काफ़ी मौका मिला। जब मैं टेस्ट कर रहा था तो काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा, ऐसे ऐसे डिश को देखा जो कि अद्भुत था, जो बहुत ही बढ़िया उन लोगों ने प्रेजेंट किया था और बहुत अच्छे तरीके से उनको पता है कि उन्होंने क्या बनाया था। सबसे मज़े की बात है, अजरबैजान का बच्चा आया हुआ था, सिंगापुर से आया हुआ था, मलेशिया से आया हुआ था, UK, US, अपने इंडिया के बच्चे, इन लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है कलनरी इंडस्ट्री में। एंड थैंक यू वेरी मच कि कलनरी को इतना आगे बढ़ाया जाता है और हमारे जो आने वाले हैं जनरेशन है वो इसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है और बैटन को आगे लेकर के जाएगा और बहुत कुछ अच्छा करेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अगेन शेफ काक। ये शेफ काक है और इन्होंने मुझे बुलाया के मतलब। नमस्कार, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हम इस कॉम्पिटिशन के ऑलमोस्ट एंड की तरफ में हैं, पहले राउंड के, और करीब 5 बच्चों ने ऑलरेडी खाना सर्व कर दिया है और 5 बाकी है और आप देख सकते हैं क्या एक्टिविटी चल रही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अब ये जाएगा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल, Shit ain't delicious, I turn an atheist into a Christian now.